सुप्रभात बच्चों, गया गार्डन्स प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं सुषमा कुमारी, प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय सिरघाटी। गया गार्डन्स प्रोग्राम के अंतर्गत हिंदी की आज हिंदी का विषय है, उसको लेकर के मैं आई हूँ। जो आप लोग का 2021 में आप लोग का जो मैट्रिक का परीक्षा हो रहा है, गया गार्डन्स उसकी तैयारी करवा रहा है। तैयारी करने का मेन मकसद है, जो कोरोना काल में आपको आपकी पढ़ाई नहीं हुई, तो इसके कारण हमारे जो गया के DPO हैं आनंद सर, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया कि कुछ शिक्षकों के द्वारा विषय बार हम बच्चों को तैयारी करवाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन इसकी खासियत ये है कि आपको जो भी विषय बार परीक्षा हो रही पढ़ाई हो रही है, हम सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ PDF के रूप में आपको सारा नोट्स दे रहे हैं। और नोट्स देखने के लिए आपको हमारा जो हर दिन है विषय बार, वो फेसबुक पे चल रहा है, गया गाइडलाइंस प्रोग्राम फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब और टेलीग्राम पे चल रहा है। अगर लाइव आप नहीं देख पाएँ तो यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में एक आपको सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे का इसका प्रोग्राम जो हर दिन का वीडियो चलता है सब्जेक्ट बाय, वो देख पाइएगा। प्लस जो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद जो कंटेंट है वो सारे आपको PDF के रूप में, यानी नोट्स जो है सारा इसमें उपलब्ध है, जो कि आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें सारा सब्जेक्ट, आज हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी जो है, जो भी इसमें एक ध्यान दीजिएगा कि आपको परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो इसमें जो लेखक मूल इम्पोर्टेंट होता है कि लेखक का नाम, वो किस भाषा के कवि थे, या उसके बाद उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सारा चीज़ आपको याद रखिएगा, जो कि हम आपको जब जैसे जैसे पढ़ाएंगे उसके अनुसार हम आपको बताते चले जाएंगे। तो पहला जो आज हम पाठ पढ़ा रहे हैं वो है बर्नी का भाग 2, ठीक है। इसमें 5 कहानियां हैं, 5 कहानी को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो है सारा जो क्वेश्चन आंसर है वो इसी कहानी के अंतर्गत आता है, जो कि आपको जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तब तक आप इसको लिख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला कहानी कौन सा है, दही वाली मंगम्मा, और इनका लेखक कौन है, श्रीनिवास। तो आप देख रही हैं कि दही वाली मंगम्मा, उनका चित्र बना हुआ है, यानी दही वाली है, दही बेचती है, और नाम क्या है, मंगम्मा। और ये जो है आप देख रहे हैं लेखक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, इसलिए आपको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जैसे लेखक श्रीनिवास, पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था, 6 जून 1891 में। जन्म स्थान क्या है, कोलार कर्नाटक में हुआ था इनका। रचना है कविता कामा और आलोचना जीवन, इस तरह का ही उनकी रचनाएं थी। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद ये जो कहानी है ये कन्नड़ भाषा में है, और इसका हिंदी अनुवाद कौन किए हैं, B.R. नारायण ने किया है। इसमें जो कहानी जिन जिन पात्रों के ऊपर चलती है, उस पात्र का हम नाम लिख दिए हैं, इसलिए लिखे हैं कि ये जो पात्र हैं ये आपको आएगा, जैसे ऑप्शन में आएगा कि दही वाली जो थी माँ का नाम क्या था, 4 ऑप्शन रहेगा, तो आप क्या लिखेंगी, मंगम्मा। आएगा बहू का क्या नाम था, बहू मंगम्मा की बहू कौन थी, तो 4 ऑप्शन रहेगा, तो हम क्या बोल लिखेंगे, नजम्मा। और गांव का एक आदमी है जिसका नाम है, जैसे कौन सा मंगम्मा में कौन सा आदमी था जो जुआरी था या मंगम्मा को छेड़ता था, ऑप्शन रहेगा, तो गाँव का आदमी का नाम क्या था, रंगप्पा। तो इस तरह आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आइए देखिए, दही वाली मंगम्मा, दही वाली जो है वो दही बेचती है, उसका नाम मंगम्मा है। यह एक दही बेचने वाली बूढ़ी औरत की कहानी है, औरत की कहानी इस कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, जिसका हिंदी अनुवाद है। मंगम्मा नाम की एक औरत जो है अपने बेटे बहू और पोते के साथ, आप ये देख रहे हैं चित्र के अनुसार हमने इसको दिखाया है कि वो एक साथ रहती है। उसके बाद है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए क्या करती है, दही बेचती है। उसके बाद वो दही बेच कर कहाँ जाती है दही बेचने, बंगलोर शहर में जाती है। वहाँ पे ही उनको लेखक से, जैसे होता है ना कि हम लोग कहीं पे अगर कोई दही वाली या दूध बेचने वाली या कुछ भी कपड़े बेचने वाला कोई भी आता है, तो अगर अक्सर हम उसे सामान लेते हैं तो एक रिश्ता बन जाता है ना। तो रिश्ता जब बन जाता है तो इसी तरह ये जो क्या करती है, इनके जाने आने के रास्ते में लेखक जो है, लेखक का घर पड़ता था जो दही वाली मंगम्मा थी, तो उनके पास आते जाते दोनों समय बैठती थी। और बैठने के बाद क्या करती थी कि अपनी दुख सुख होता है
ना मंगा माँ जी आज ना ये हुआ, आज ने आज मेरा दही अच्छा नहीं हुआ, दूध में पानी में अति चूहे ने मटकी में अति ये कर दिया, गिर गया, इस तरह की बातें बहुत सारी बातें मेरी बहू ने किया, बहुत सारी शिकायतें होती थी। मंगम जो लेखक थे वो भी कुछ ना कुछ बोलते रहती, मतलब दोनों आपस में बहुत अच्छा एक संबंध बन गया था। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन क्या होता है, चूँकि कहानी मैं सारांश छोटा करके लाई हूँ संक्षेप में, तो उसके बाद क्या होता है, और रोज़ रोज़ दही बेच करके जाती है। अब हर कोई का होता है ना कि अपने पोते से लोग बहुत प्यार करते हैं, दादी जो होती है अपने पोते से बहुत प्यार, तो वो अपने पोते को कुछ ना कुछ डेली वहाँ से लेकर के जाती है और खिलाते पिलाते रहती है। एक दिन क्या होता है कि बहू को देखते, जब वो दही बेच करके जाती है तो देखती है कि बहू जो है उसको बहुत पीट रही है। तो जब पीट रही है ये बहू, और मंगम्मा जो है वो चुपचाप देखती है, तो देखते देखते उसको गुस्सा होता है कि इतना छोटा बच्चा है, और बहू को डांटती है कि तुम इसको क्यों पीट रही हो। तो जो बहू है वो बोलती है कि मैं अपने बेटे को पीट रही हूँ, आपके बेटे को कुछ नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं बोलिए, मुझे रोकिए टोकिए नहीं। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा दोनों में झगड़ा हो जाता है। वो मंगम्मा कहती है कि आने दो मेरे बेटे को, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। तो वो जा करके अपने जो उनके बहू अति बेटा जब आता है उसको बोलती है कि देखो तुम्हारी जो बहू है इतने छोटे बेटे बच्चे को बहुत पिटाई कर रही है। तो वो जो है बोलता है कि माँ मैं तुम दोनों का ना, क्योंकि तू मैं होता है तो ऐसे भी जेंट्स लोग होता है कि घर में क्या देखे, बहू और सास का झगड़ा है उसको हम लोग क्यों देखे। तो वो क्या करती है, उसका बेटा बोलता है माँ तुम लोग दोनों का रोज़ रोज़ का जो झगड़ा होता है ना, मैं उसे तंग आ गए हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों के झगड़े में नहीं पड़ूंगी। तो वो बोलती है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं अलग हो जाऊँ। गुस्से में ये बोलते जब बहुत सारे कि तुम अपनी बहू को नहीं समझा रहा और उल्टा मुझे डांट रहा है। तो बोल रहा है कि वो बेटा जो है वो बोलता है कि माँ अगर तुम्हें लगता है कि मैं अलग जा करके खुश रह सकती हूँ तो आप अलग हो जाओ, इसलिए मैं अपनी पत्नी और बच्चे को तो नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी बच्चे का सहारा कौन है, सिर्फ मैं हूँ। लेकिन आपका सहारा, को आपका तो दही बेच करके पैसे कमा लेती है, धन दौलत भी किसका है, आपका है, इसलिए आप अलग हो करके रह सकती हो। वो जाती है अपना, वो तो एक दिन रो रही थी पूरा बैठ के लेखक के यहाँ जाके, बोले क्या हुआ मंगम्मा आज तू बड़ा रो रही है। बोले माँ जी क्या करूँ, जरी थोड़ा सा बाट के लिए छोटे से बच्चे को पीट रही थी, मैं बहू को डांट दिया तो बेटे ने मुझे ही उल्टा कुछ ना कुछ बोल दिया, इसलिए और अलग होने को कह रहा है। उसके बाद वो दुखी मन से घर जाती है तो देखती क्या है कि से उसकी जो माँ है अति उसका जो बेटा है वो सारा सामान कपड़े लत्ते थोड़े से बर्तन बाहर रख दिया है। बाहर रखने के बाद वो क्या करता, जब समझ गई कि अब मुझे ये अलग कर दिए, वो क्या की सारा सामान अपना एक जगह रूम में रख ली और खुशी खुशी रह, बोले कि अच्छा है जब मुझे बेटे ने निकाल ही दिया है तो मैं अब ऐस से जीऊँगी, जो भी कमाऊँगी अपने ऊपर खूब सिंगार पटार करूँगी, खूब खुश रहूँगी। लेकिन वो तो करती है उसके बावजूद, लेकिन छोट जो पोता होता है वो उससे प्यार करना नहीं भूलती है, वो हर दिन कुछ ना कुछ ले जा करके उसको देती है, चुपके से खिलाती है और उसके बाद उसको क्या करती है घर भेज देती है कि तो वो अगर जानेगी तो पोता को पीटेगी, इसलिए उसको चुपके से भेज देती है। उसी समय एक जो मंगम्मा ये आप देख रही हैं ये कौन है, रंगप्पा, वो जब जाती है दही बेचने रास्ते में रंगप्पा जो है उनको छेड़ते रहता है, कभी हाथ पकड़ लेता है कभी कुछ कर लेता है, उसके बाद क्या करता है कि उसको छेड़ता है और छेड़ने के बाद बोलता है ए मंगम्मा हमको ना कुछ पैसे दे दो। तो बोले नहीं 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 मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते मंगम्मा जो पैसे कमाती है वो क्या करेगी, आप तो जो मुझे पता है आपके पास बहुत पैसे हैं, आप दही जो बेचती है उसको जमीन में गाड़ करके जो पैसे होते हैं उसको रखती है, इसलिए तुम हमको पैसे दो। वो डर जाती है कि पता नहीं रंगप्पा हमको आते जाते कब छेड़ ले, अकेली औरत हूँ। और इस बात का पता जब उसकी बहू को होता है तो बहू जो है वो सोचती है कि नहीं माँ मेरी जो सास है वो जितने पैसे कमाएगी हो सकता है कि उसको दे दे। वो क्या करती है कि बहू जो है बहुत तेज होती है, वो क्या करती है कि अपने बेटे को जानबूझ करके पीटती है और उसको उसके यहाँ भेज देती है। अब भेजने के बाद क्या करती है, बोलती है जितना भी मैं मारूँ तुम वापस मेरे पास मत आना। उसके बाद जाने के बाद वो क्या करती है कि सो वो माँ को फिर जाकर के माफ़ी मांगती है और कहती है माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी, अपने साथ रखूँगी, और आप बुजुर्ग हो चुके हो, आप दही से आज के बाद दही बेचने आप मत जाना बल्कि मैं जाऊँगी। वो क्या करती है, देखो माफ़ी मांग रहा है,
है ना, मंगम्मा से बच्चा और ये बहू जो है वो बेटा भी सब माफ़ी मांग रहा है। माफ़ी मांगने के बाद क्या करता है कि से वो खुशी खुशी जो है वो लेखक के पास अपनी बहू को लेके जाती है दही लेकर के, और बोलती है माँ जी आज ये है मेरी बहू नजम्मा, आज से यही दही बेचने आया करेगी और मैं जो है सो दही आपसे नहीं बेचूंगी, अपने पोते के साथ आराम से घर में रहूंगी। और इस तरह सारे जो एक परिवार जो पहले से खुशहाल था फिर से खुशहाल हो गया। इसमें एक क्वेश्चन आता है दही वाली मंगम्मा कहानी का संदेश स्पष्ट, इसमें क्या है संदेश में कि जो आधुनिक बहू होती हैं वो संयुक्त परिवार नहीं चाहती, वो सोचती है मैं रहूं और मेरा पति रहे और मेरा बच्चा रहे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम साथ मिलकर कर रहेंगे तो हम ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। दूसरा है रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा क्या करता चाहता था कि वो एक जुआड़ी और शराबी था और मंगम्मा से चाहता था कि ये पैसे दे दे, और अकेली औरत है इस कारण से उसको इज्जत भी उसका लूटना चाहता था। कहानी क्लियर। दूसरा है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास का मतलब है कि आप किसी चीज़ कोई ऐसी मुसीबत आती है, जैसे कोरोना आई तो कोरोना में क्या हुआ कि एक तो हम लोग परेशान थे, ऊपर से जो लोग बाहर मजदूर के एक तुलना मजदूर की ले लो, जब मजदूर बाहर रहते थे और जब वो आने लगे तो सोचे कि हम जब यहाँ से निकल जाएंगे तो घर पहुँच जाएंगे तो सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन रास्ते में उनके साथ क्या होता है कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है और वो दुनिया से चले जाते हैं। तो उनकी विश्वास जो था घर जाने की और ज़िंदा रहने की, वो क्या होता है वो विश्वास जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस और उस कहानी का लेखक कौन है, सात कोड़ी होता, समझ गई। इनका जन्म जो है 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में होता है। स्थान क्या है, मयूरभंज उड़ीसा। उसके बाद कहानी जो क्या है उड़िया में लिखी गई है और विभूति प्रकाशन दिल्ली से ली गई है, और इसका हिंदी अनुवाद जो किए हैं वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया है। इसके पात्र कौन कौन है, देखो पात्र का नाम हमेशा याद रखना क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो आपको लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य पात्र कौन है, लक्ष्मी। पति का नाम है लक्ष्मण, बेटा अच्युत, और गांव का एक लड़का है उसका नाम है गुणनिधि। ये कहानी जो है उड़ीसा में, उड़ीसा एक जगह है जो आप लोग इंडिया में ही आप लोग जानते हो, जगन्नाथपुरी जानती हो ना, तो जो रथ यात्रा निकलता है वहीं से, और उसके बाद कोणार्क मंदिर वो वही है, लेकिन वहाँ वो बहुत सुंदर जगह होने के साथ साथ समुद्र है, नदी है। उसमें क्या होता है वो चीज़ मैं भी खुद देखी हूँ कि जब वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा आते रहता है, जैसे कभी बहुत सूखा हो जाएगा, कभी बहुत बारिश हो जाएगा, कभी ऐसा तूफान आएगा कि घर का खिड़की दरवाज़ा भी उठा के लेके चला जाता है। मैं ऐसा इस चीज़ को मैं खुद देखी हूँ वहाँ पे, तो ऐसा होता है। तो इस उसी की पे ये आधारित एक कहानी है। इसमें क्या है, देखो इसमें लिखा हुआ है ना कि इसका जो कहानी का जो पात्र है लक्ष्मण, लक्ष्मण जो है उसकी पत्नी है लक्ष्मी, ठीक है। तो ये जो है वो बाहर कमाता है और कमाने के बाद ये जो है यहाँ रहती है, और महानदी के किनारे इसका घर है। तो घर भी कैसा है, घर घर जैसा नहीं है वो, चूंकि जब भी बाढ़ आता है तो घर को बहा लेके चला जाता है, इसलिए उस वो लोग जो है ना तंबू गाड़ करके या किसी तरह से लट से इस तरह से बना करके घर को रखते हैं कि ताकि कब ना कब मेरा घर बह जाए। तो लक्ष्मी जो है तो चूंकि मजदूर है लक्ष्मण, तो घर का काम सारा बोझ तो उतार नहीं सकता, दो बेटी हैं और दो बेटे हैं, इस कारण से वो नहीं करते। तो तहसीलदार के यहाँ वो जो काम करती है, झाड़ू करती, उसके पास एक बीघा खेत भी है, पर बाढ़ या सूखा कभी एक बीघा खेत है लेकिन एक बीघा खेत का वो यूज नहीं कर पाती, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कुछ ना कुछ होते रहता है। आप देख रही हो कि इस तरह का झोपड़ी बना के वो लोग रह रहे हैं। कारण वह भी कि बेकार दिनों से अब बरसात होते देखकर लक्ष्मी आशंका से भयभीत होती है, लेकिन अपना वो किसी तरह से खेत में कुछ लगाती भी है, लेकिन क्या होता है कि लगाने के बाद जो है एकदम सूखा पड़ जाता है,
और बारिश नहीं होता। लेकिन अचानक क्या होता है, जब उसका खेत सूख गया, देखो प्राकृतिक आपदा क्या होता है, एक तरफ सूखा आया, वो खेत सूख गया, उसके बाद बारिश होना शुरू हो गया, लगातार एक महीना तक बारिश होने लगा। जब एक देखो ये सूखा हो रहा है, उसके बाद ये बादल पूरा घिराया, आंधी आया, तूफान है, उसके बाद बादल घिर गया, तो उसके बाद क्या होने लगा कि वो प्राकृतिक आपदा हमेशा वहाँ चलते रहता था। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि जब पूरा बारिश होने लगा तो वहाँ का जो बांध था वो लगा कि अब ना अब टूट जाएगा। तो वहाँ के जो गांव के लोग थे, जो वहाँ सरपंच थे, गुण निधि जो लड़का है वो पढ़ा लिखा है, अब पढ़ कर के आया है तो वो थोड़ा सा तेज तरार है, ले तो उनको वहाँ के जो मुखिया सरपंच होते वो कहते हैं कि ऐसा कीजिए कि तुम जो एक टीम बनाओ और टीम बना के बांध बनाओ, बांध बना के उसको क्या करो वहाँ पे ले, ये बांध का रोकने का कोशिश करो। लेकिन कितना भी कोशिश करता है वो लोग बालू का ये ढेर लगा करके रोकते रोकते, लेकिन जब देखता है कि अब बांध जो है टूटने वाला है, नदी जो है एकदम बांध से ऊपर बह रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो सब लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि ऐसा करो कि आप ले जा करके सारे लोग ऊंचे स्थान पे चले जाओ। तो वहाँ पे जो मंदिर होता है, जो अति ये बहुत बड़ा विशाल शंकर जी का मूर्ति होता है, वो सारा जो है वो जब डूबने लगता है तो सब आप किसी तरह से बहुत ऊंचे टीले पे चले जाते हैं। उसमें से लक्ष्मी जो है वो क्या करती है कि वो भी थोड़ा सा कपड़े उपड़े कि शायद अगर हम ऊंचे पे जाएंगे तो भूखे रहेंगे, तो कुछ चूड़ा है कुछ भी बर्तन थोड़ा लेकर के जाने लगती है। और अच्युत को भी सोचती है कि अब वो नहीं आ पाता है, क्योंकि वो बांध बना रहा था, तो देखती है कि अब तो लगता है पानी बहुत नज़दीक आ जाएगा, इसलिए वो उसको वहीं पर छोड़ देती है और अपनी दोनों बेटी और एक छोटा बच्चा है जो कि गोद में है उसको लेकर के वो चलती है। जाने के बाद देखती है कि सो पानी जो है इतना तेज वापस आता है कि बेटी कहाँ चली गई और खुद वो कहाँ चली गई ये उसको पता नहीं होता है। उसके बाद वो क्या करती है कि किसी तरह से अपने को लपेटती है, एक पेड़ होता है और पेड़ के पास जो है उसको उसके जो तना होता है ना बेर का पेड़ में, देखिए तना लटका हुआ रहता है, उस तना को पकड़ती है और पकड़ करके उसको अपने साड़ी को खोल करके बांधती है और किसी तरह उसके पास लटक जाती है। और धीरे धीरे क्या करती है कि वो एकदम इतना पानी का बहाव है, बेटी भी कहाँ चली गई, कोई एक दूसरे का सुन नहीं रहा है, सब अपने को खोज रहे हैं। और जो ऊपर टीले पे चढ़ गए हैं वो ऐसा भरा हुआ है जैसे एक तिल भी यहाँ से वहाँ, और उसमें भी लोग अपने आप को खोज रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरी बहू कहाँ है, मेरा पोता कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन बेहवास लोग उसको जो है वो चल रहे हैं। तब क्या होता है कि जो वो याद आ जाता है, एक चीज़ उसके साथ घटना हुई थी कि जब वो ससुराल आती है पहली बार, तो वहाँ क्या होता है कि एक हीराकुंड बांध में उसके पति का डेथ हो जाता है चप करके। लेकिन वो देखती है कि उस बार भी ऐसा हुआ था, तो सब लोग जो है वो ऊँचे टीले पर गए थे और उस बार भी कौन कहाँ मरा, कभी जितना भी जानवर है, खेत है, खलिहान है, घर है, सबको ऐसे लेके जा रहा था जैसे लगता है कि होता है ना कि बहाव में सब उड़ रहे हैं, उस तरह से सारा का सारा बह गया था। तो ये वो दिन लक्ष्मी को याद आता है। उसके बाद वो बच्चे को, जो दुधमुहा बच्चा था, वो जब लेकर के वो बैठा रहता है, जब लक्ष्मी जो है बच्चे को गोदी लेकर के और पेड़ में जो लटक जाती है, लटकने के बाद अपने साड़ी को बांध करके और पेड़ पे चढ़ करके, और उसको कब बेहोश हो जाती है उसको पता नहीं चलता है। तब वो क्या करती है, जब उसको दूसरे दिन जब बाढ़ का पानी खत्म होता है, शांत होता है, उसके बाद क्या करती है कि उसको होश आता है, सूरज का जब रोशनी पड़ता है तो होश आता है, तो देख अपने आप को पेड़ के पास पाती है और उसको एक बार याद आता है कि मैं तो अपने छोटे बच्चे को ली हुई थी, अब छोटे बच्चे को ली हुई तो वो बच्चा जो है सो कहाँ गया। तो बेहवास अपने बच्चे को इधर उधर चारों तरफ उस देखना शुरू करती है, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं मिलता। लेकिन अचानक उसको दिखाई पड़ता है कि एक पेड़ में जो है वो एक बच्चा जो है फंसा हुआ है, वो उसको गोदी में उठाती है, वो सोचती है कि ये मेरा ही बेटा है। उस समय क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो अपने जोर से चिपकाती है अपने बच्चे को कलेजे से लगा के, लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं रहता है, वो बच्चा मरा हुआ रहता है, उसके अंदर सांस नहीं है, पानी से फूला हुआ है, लेकिन फिर भी जो है वो अपने बच्चे को जोर से लगाती है, अपने स्तन से लगा लेती है कि मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा बच गया। इस तरह की इसमें देखो क्या है कि लेखक जो हम उस जो इंसान के साथ जो प्राकृतिक आपदा आता है उसमें किस तरह से फंसता है और किस तरह अपने आप को वो वहाँ पे पाता है, वो इसको इसमें इस कहानी को दिखाया गया है।
इसका कहानी का क्या ढहते विश्वास, जो कहानी की शीर्षक सार्थक है विचार करें, ढहते विश्वास जो है क्या इस कहानी को जो है शीर्षक जो दिया गया क्या ये सही है। तो घटित घटना के आधार पर लेखक ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा। इस भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से माँ मुंडेश्वरी की शरणागत हुए, जहाँ चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी। पर आज भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया, देवी देवताओं पर उसे विश्वास उठने लगा था। कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है, लेकिन जब इंसान मुसीबत में आता है और कहता है ये भगवान हमको बचा लो, हे भगवान हमको ये कर दो, और उस समय जब भगवान का सहायता नहीं मिलता है तो लगता है कि अब जो है इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इसका शीर्षक जो है ढहते विश्वास सही है। दूसरा है कि विपत्ति अकेले नहीं आकर संगी संवर साथियों के साथ आती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत पंक्ति ढहते विश्वास कहानी से ली गए कहानी मूल्य की उपयुक्त युक्ति सत है। तूफान के बाद सूखा, सूखा के बाद बाढ़, बाढ़ के बाद ये सारा चीज जब आता है तो इंसान आंधी, ये सारा चीज़ जब एक साथ आता है तो विपत्ति अकेले नहीं आती है। जैसे कोरोना आया, मौत लेके आया, सब लोग घर में बंद हो गए और लोग को एक दूसरे पर लगा कि घर से एकदम हम लोग ऐसे कैद हो गए जैसे कभी निकलेंगे तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। तीसरा कहानी है क्या माँ, इसके लेखक कौन है, ईश्वर पेटली। माँ क्या होती है, माँ नाम सुनते ही हम अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करते हैं कि कोई भी दुख होगा अगर मेरी माँ है तो हमको बचा लेगी। जैसे माँ हर तरह से हमारे सामने रहती है, जब जन्म देती है तो जन्मदाता, जब हमको खाना खिलाती है तो अन्नपूर्णा, जब हम बीमार पड़ते हैं हमारी सेवा करती है तो डॉक्टर बन जाती है। पहला शब्द जब माँ हम बोलते हैं और हमारे शरीर के हर एक अंग को वो बताती है, ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा आँख है, ये तुम्हारा बाल है, ये कौन बताता है, माँ बताती है। तो और हर मुसीबत में सामने कौन खड़ा रहती है, माँ। तो माँ ऐसा शब्द है जो बच्चे के लिए पूरा सृष्टि है। कहते हैं ना कि भगवान के पूजने मंदिर नहीं जाओ, अगर माँ है घर में और माँ आपके साथ है तो सारे मुसीबतों का सामना हम कर सकते हैं। तो इस कहानी में लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर, वास्तविक नाम क्या था इनका, मोती भाई पटेल। बार बार मैं एक चीज़ को नोट करवा रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। उसके बाद है जो ये जिनका जहाँ जन्म हुआ था, पेपलाट के समीप पेटली ग्राम गुजरात में पड़ता है, उसमें वहाँ उनका जन्म हुआ था। जन्म का समय क्या है, 9 मई 1916 ईस्वी। मृत्यु कब हुई थी, 22 नवंबर 1983 ईस्वी की। इनकी जो कुछ कहानियाँ थी, खून की सगाई, काला पानी लोकप्रिय उपन्यास है, और इसका जो हिंदी अनुवाद किए हैं वो है गोपाल दास नागर ने। अब रब का हम पर कर्म नहीं होता, माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। तो गुजराती साहित्य के धनी पेटलीकर एक लोकप्रिय कथाकार हैं। इस कहानी के कहानीकार पेटलीकर जी ने माँ के ममता को बड़ी ही मार्मिक चित्रण किया है। माँ के लिए बच्चा समान तथा प्रिय होता है, किंतु माँ का प्रेम बच्चों से अधिक होता है, जो सबसे छोटा होता है। इस कहानी में क्या है कि माँ जो है, माँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, 3, 4, 5, लेकिन उसमें जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा होता है, जो कि जो बड़े वाले जो होते हैं वो बोलते हैं ना कि ये तुम सब सिर्फ तुम इसको मानती है, हम लोग तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये शिकायत होती है बराबर। तो उसमें है कि वो जो माँ है उनके एक बेटी होती, दो बेटी होती है और दो बेटे होते हैं। उसमें से मंगू जो होती है, उनकी एक छोटी जो बेटी होती है उसका नाम मंगू होता है। दोनों बेटा का शादी हो जाता है और बेटी का भी शादी हो जाता है। मंगू जो होती है वो 14 साल से भी छोटी लड़की रहती है, लेकिन वो क्या है, जन्म से गूंगी है और प्लस पागल बोलते हैं ना, जैसे जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो इनोसेंट, कपड़ा पहन रहे हैं नहीं। आपने कभी कभी किसी पागल को देखा होगा, वो रास्ते में जब घूमती है तो क्या खा रही है, क्या हाथ में ली हुई है, कपड़े तन पे हैं कि नहीं है, वो कहाँ बैठी है, इसका होश उसको नहीं रहता है। देखोगे कि पूरा कचरा उठा के और पूरा टांग के यहाँ पे चल रही है, तो ऐसा होता है। लेकिन मंगू जो है, माँ जो है, जब तक जिंदा है तब तक मंगू
को अपने पास रखती है। बहुत लोग बोलते हैं कि इसको पागल खाना भेज दो, लेकिन बोलती है नहीं, अगर मैं इसे पागल खाना भेज दूंगी तो क्या इनको मंगू को कोई सेवा करेगा जितना मैं करती हूँ? ये बिछावन पे बिछावन गीला कर देती है, उसके बाद ये खुद से खाती नहीं है, रात में सोती है तो ओढ़ना है कि क्या ठंडा है कि गर्मी है, क्या उसको समझ में नहीं आता है? वो कुछ नहीं बोलती है। तो उस पर उनके जो बेटे जो बहू हैं, बेटे तो समझते हैं लेकिन बहू के साथ साथ बेटी भी बोलती है कि माँ तुम जो इसको इतना करवाती हो, जितना भी गंदा करती है या नित्य कर्म जो डेली करवाती हो, ये खुद कर सकती है लेकिन तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसको क्या किया है, बिगाड़ रखा है। लेकिन क्या वो माँ को पता है ना, वो बिगाड़ लाड़ प्यार से बिगाड़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ ऐसा इनोसेंट वो लड़की है, पगली है, जिसको समझ में नहीं आता दिन क्या है, रात क्या है, माँ क्या है, हम जो कर रहे हैं, कपड़ा हमको पहनना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए, उसको होश ही नहीं है। हमको भोजन अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना भी खाना चाहिए, हमें भूख लगता है कि नहीं, ये भी उसको पता नहीं है। तो इस तरह से है वो कहानी जो है आगे चलती है धीरे धीरे, क्या लेकिन माँ जो है उसको फिर भी सेवा करती है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन क्या होता है कि एक कुसुम नाम की लड़की होती है उस गाँव में, तो वो भी एक दिन पागल हो जाती है। तो पागल हो जाती है तो कुसुम को सब लोग क्या करते हैं, पागल खाने में भर्ती करवाते हैं। तो एक महीना बाद वो कुसुम जो है ठीक हो करके आ जाती है। जब ठीक हो करके आ जाती है तो सब लोग गांव वाले कहते हैं कि मंगू की माँ देखो कुसुम जो है पागल खाने में गई, डॉक्टर वहाँ बहुत सेवा करते हैं, बहुत अच्छे से उसकी सेवा पानी करते हैं, तुम इसको भी पागल खाने भर्ती करा दो, मंगू हो सकता है कि ठीक हो करके आ जाएगी। और कुछ लोगों ने कहा था कि 14 साल के जब हो जाएगी तो मंगू है वो ठीक हो जाएगी। तो ठीक होने के लिए माँ जो है वो देखती है मंगू कैसे ठीक हो, कोई भी बोलता था जरा सा ये वाला जड़ी बूटी खिला दो, ये दवाई करा दो, वहाँ पे दिखा दो, झाड़ फूँक करवा दो, जहाँ पे जो बोलता था वहाँ पे चली जाती थी। लेकिन एक ही काम नहीं करती थी वो, कि वो अस्पताल नहीं भेजती थी। कारण क्यों नहीं भेजती थी कि नहीं मेरी बेटी का सेवा नहीं करेगा, वो लोग खाना ये मांगती नहीं है, टाइम पे खाना नहीं देगा, बिछावन जब सोती है तो बिछावन पे ही अपना नित क्रिया कर देती है, तो वो भी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम अपनी बेटी को जब तक हम जिंदा है, लेकिन चिंता होती थी कि जब तक हम जिंदा हैं तब तो अपनी बेटी मंगू का सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मर जाएंगे तो मेरी बेटी का सेवा कौन करेगा? तो कुसुम के बारे में जब पता चला तो वो कुसुम को सब गांव वाले देखने गए, देखे सचमुच में कुसुम ठीक हो गई है। तो उसको बुलाती है और बुला के बोलती है कि कुसुम तुम जब पागल खाने में गई थी तो तुम्हारी सेवा वो लोग कैसे करते थे? बोले नहीं, हमको टाइम पर खाना खिलाते थे, बिछावन पर सुलाते थे, टाइम पर दवाई देते थे, ये सारा चीज़ हमारे साथ होता था। तब माँ को है तसल्ली थोड़ी हो गई, ये भी बोली कि सब लोग बोल रहे हैं तो शायद एक होती है ना कि जब उम्मीद की किरण थोड़ा सा जब दिखाई देता है तो लोग उस जगह पे जाने के लिए, जैसे रेगिस्तान में हैं और हमें बहुत प्यास लगी है तो दूर कहीं पे हमको एक छोटा सा पानी का एक तालाब दिखता है तो हम क्या करते हैं, भले वो कितनी दूर है हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जाएं। तो उसी तरह से माँ जो है जब आश्वस्त हो गई कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तब वो क्या करती है कि वहाँ पे वो जाती अपने बेटे को चिट्ठी लिखती है कि बेटा ऐसा करो कि मैं मंगू को पागल खाने में भर्ती करना चाहती हूँ और वहाँ पे उसको जो है इलाज हो जाएगा, शायद वो ठीक हो जाए। बेटा भी सोचा कि हाँ सही बोलती, वो दौड़ के तुरंत वहाँ से आया, कुछ पेपर्स वगैरह बनाने थे मजिस्ट्रेट से, वो सारा बनाया। माँ सोची ना कि बेटा भी चाहता है कि मेरी जो मंगू है वो किसी तरह से घर से चला जाए, मेरा छुटकारा हो। वो भेज रही है लेकिन माँ का जो दिल है वो अंदर से तड़प रहा है, पता नहीं फिर भी उसके दिमाग में घुस रहा है, पता नहीं वो कैसे रखेगा, वो लोग खिलाएगा नहीं खिलाएगा, ये सारा चीज़ उसको चलते रहा। लेकिन किसी तरह जो है अपना मन मार करके जब ट्रेन पर बैठती है तो वो चूँकि पगली थी तो ट्रेन वाले लोग कहते हैं कि ये कौन, ये बेटी है आपकी पगली है, आप इसको कहाँ ले जाओ? तो पता चलता है वो लोग को जब पागल खाने बोलते, कैसी तू माँ है जो अपनी पगली बेटी को आप पागल खाने में भर्ती करवा रही है? लेकिन फिर भी वो अंदर से तो दुखी है। किसी तरह से पागल खाने पहुँचते हैं, वहाँ जाती है तो उसका पेपर देखता है, जो नर्स वहाँ होती है तो वो कुछ चीज़ें वहाँ पे देखती है। एक चीज़ देखती है कि एक जो पगली है वो आकर के अपने पति के साथ खूब लिपट के रो रही है, कह रही है ना कि ये जो भूतनिया है ना, जो नर्स होती है वो नर्स के बारे में कहती है, जो भूतनिया है ना हमें खाने नहीं देती है, हमें कपड़े लत्ते नहीं देती है, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे जितना जल्दी हो सके उठा करके ले चलो। तो वो बोलती है कि अच्छा अच्छा नर्स जो है वो बोलती है कि अच्छा तुमको खाना नहीं मिलता, अभी पति के पास खा लो फिर मैं तुम्हें अच्छे से खाना खिलाऊँगी। उसके बाद दूसरा तो उनको लगता है माँ को कि नहीं ये लोग बहुत अच्छे हैं, तो बोलती उसके जब मैट्रन जो होती है उनका पेपर देखती है, देखने के बाद बोलती है कि से माँ ऐसा करो
माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी मंगू बेटी को हम लोग, आप सोचो कि एक माँ के पास के छोड़ करके दूसरे माँ के पास आ रही है, इनका ख्याल रखेंगे। तो वो माँ बोलती है कि बेटा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं कर पाती है, ये खाना नहीं अपनी खुद से खाती है जब तक इसको खिलाओ ना, ये बिछावन गंदा कर देती है जब तक कपड़े नहीं बदलो ये नहीं बदल पाती है, ये जो है वो मतलब अगर आप इसको बिछावन पे लिटा दो और ठंडा है कंबल नहीं ओढ़ाओ तो रात भर कंबल नहीं ओढ़ेगी, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा एक माँ से होकर के कि आप मेरी बेटी मंगू को अच्छे से रखना। और ये वहाँ पे किसी तरह से रख करके और वो वापस आती है बुझे हुए मन से, और बेटा भी उस दिन बेटा भी दुखी है, वो जब घर आता है पूरे रास्ते जो है वो चुपचाप रहते हैं दोनों, जब घर आते हैं तो वो रात में एक तो असंतुष्ट है कि मेरी मंगू को पता नहीं कैसे रखता होगा, ये देख के आई है, फिर भी मन जो है उसका माँ का, वो रात में क्या करती है, वो सोचती है मंगू जो है खाना खिलाए होंगे कि नहीं वो लोग, इनको बिछावन पे सुलाए कंबल, अगर उसको ठंडा लग रहा होगा तो कंबल ओढ़ाए होंगे कि नहीं, ये सारा चीज़ उसके दिमाग में पूरा कौंद रहा है, ऐसा चल रहा है एकदम चलचित्र की तरह, चलते चलते लास्ट में वो जो है सुबह में बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, अरे दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला। अब सब लोग गांव वाले से लेकर के बेटा भी जल्दी से उठ करके खड़ा होता है कि क्या हुआ माँ, तो अरे मेरी मंगू को सबने मार डाला, और वो भी पागल हो जाती है। इस कहानी में लास्ट में देखो फिर है कि माँ जी मंगू की श्रेणी में कैसे मिल गई, तो माँ जी मंगू को अस्पताल में रखकर पुत्र के साथ घर तो लौट गई, किंतु उसका हृदय मंगू के बारे में सोच रहा था, सब दिन साथ रही बेटी का बिछो उन्हें बेचैन कर रहा था, अंतर्द्वंद उन्हें एक पल भी शांत रहने नहीं रहने दे रहा था, मंगू की चिंता ही माँ जी को मंगू की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि उसको सारा दिन चल रहा था मेरी बेटी को कैसे रखेंगे। उसके बाद मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार जो फ़र्क है उसे अपने शब्दों में लिखे, मैंने बता दिया कि माँ का व्यवहार तो बहुत अच्छा था, प्यार करती थी, लेकिन बाकी जो ये थे वो उससे कोई मतलब नहीं रखते थे, भाइयों का व्यवहार उसके साथ प्रयुक्त नहीं था। तीसरा का उसके बाद है नगर, चौथा कहानी नगर। नगर का मतलब आप जैसे हम बोलते हैं ना कि शहर में हम रहते हैं और वो गांव में रहता है, तो नगर है, इसके लेखक कौन है, सुजाता। ये कहानी जो है वो एक शहर का है, जो आप शहर देख रहे हैं शहर में क्या होता है, भीड़ भाड़ गाड़ी ये वो कितना होता है, लेकिन जैसे गांव में जाते हैं सारे चीज़ देखने हमको नहीं मिलती, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें है, मतलब दूर से ही पता चलता है कि ये शहर है। तो लेखक जो नगर है उसका लेखक कौन है, सुजाता। वास्तविक नाम क्या है, एस रंग राजन। जन्म इनका कब हुआ था, 3 मई 1935। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, तमिलनाडु का चेन्नई। यह कहानी जो है आधुनिक तमिल कहानियां से नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है, हिंदी अनुवाद कौन किया है, के ए जमुना, और पात्र कौन है, बल्ली अम्माल, और बेटी है पापती। दो ही पे ये कहानी चलता है पूरा कहानी, लेकिन इस कहानी में जो है प्रस्तुत कहानी में लेखन ने अस्पताल की कुव्यवस्था के बारे में लिखा है। तमिलनाडु में मदुरई नाम का एक नगर है, यह कहानी एक ऐसी औरत से संबंधित है जो इस नगर में आई है, बल्ली अम्माल, अपनी बेटी पापती को लेकर गांव के प्राथमिक अस्पताल में गई। डॉक्टर ने कहा सुबह की पहली गाड़ी से पहले अस्पताल पहुँचो, मतलब जो बल्ली अम्माल है उसकी बेटी है पापती, उसको वो जब गांव में उसको बुखार चढ़ा था, बुखार लगा तो वो गांव में जो प्राथमिक केंद्र होता है ना, वो बहुत गरीब थी, अनपढ़ गवार महिला थी, वो ना पढ़ी लिखी थी और गांव की थी, उसे शहर क्या होता है उसको कुछ भी नहीं पता था। जब वो प्राथमिक अस्पताल जाती है तो वहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो जब उसका नब्ज देखता है और देखता है कि जो पापती है वो बहुत ही बीमार है, वो बोलती है तुम सबसे पहली जो कल की बस है उसको ले करके और जाओ, कहाँ जाओ, जो शहर के बड़े अस्पताल हैं उसमें लेके जाओ। इसको भी लगता है मेरी बेटी को कुछ हो गया है, वो उसको अस्पताल लेके जाती है। इसमें क्या दिखाया है कि जो गांव के अनपढ़ गवार लोग होते हैं और जब वो आप शहर आते हैं तो शहर में आने के बाद जो डॉक्टर होते हैं, जो नर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट के और भी स्टाफ होते हैं, वो उसकी मदद नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आदमी आ जाएगा, पढ़ा लिखा आया और अप टू डेट आया, उसको तुरंत सारा कुछ दे देते हैं, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ,
ये काम करा लो, ये नहीं करा के लाई, उसको समझाता नहीं है कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसको हम मदद करें इसके बेटी को। तो वो क्या करती है कि से बली अम्माल जो है अपनी बेटी को लेकर के जब वहाँ जाती है तो 5-6 डॉक्टर जो जो सबसे मेन डॉक्टर और जो सीखने वाले होते हैं ना और भी डॉक्टर जो पढ़ाई करते रहते हैं, वो सारे उनको जब डॉक्टर नर्क चेक करता है तो बोलता है अरे इसको तो बहुत तेज़ बुखार है और एक बीमारी का उनका एक बड़ा सा बीमारी होता है उसका नाम उसको लिखते हैं देखते हैं तो बोलते हैं अरे इसको तो जो है बहुत तेज़ बुखार है और ये कभी भी ये मर सकती है। आपस में बात कर रहे हैं डॉक्टर को बोलते डॉक्टर जो जो साथ में डॉक्टर थे वो बोलते हैं धनशेखरन इसको जल्दी से एडमिट करो। तो वो क्या करती है ये बात जब बोलती है कि जल्दी से एडमिट करो तो जो बली अम्माल है उसको लगता है कि अब तो हमको मेरी बेटी को पता नहीं क्या होगा। तो वो क्या करती है कि उसके उसको जा करके बोलती है डॉक्टर साहब मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी। बोली हाँ ठीक हो जाएगी, ये चीट लो और कहाँ जाओ एक जो कुर्सी पे सज्जन बैठे होंगे उनको जा करके ये चीट दे देना। वो कहती है कहाँ पे जाए, सामने देखती है तो एक तो सही में आदमी नहीं बैठा रहता है, सिर्फ कुर्सी रहता है। थोड़ी देर आधे घंटे बाद जब वो आदमी आता है, देखो बली अम्माल के साथ लगा दिया, उसके पीछे पीछे दौड़ और नीचे कीजिए, बेटी को यही रहने दो, पर वहाँ कुर्सी पर कोई नहीं था। आधे घंटे बाद बली अम्माल मिली तो चीट लेकर वो बोला इस पर तो डॉक्टर का दस्तखत ही नहीं है। जब वो चीट लेकर जाती है तो वो आदमी कहता है कि इसको एडमिट करने के लिए तुमने कौन भेज दिया, खाली एडमिट लिखा हुआ है, डॉक्टर जब दस्तखत करेंगे तब हम आपको वो दस्तखत कराने के लिए जो है वो फिर सीधे करवा कर लाओ, सीधे जाकर बाएं मुड़ना तीर का निशान होगा। वो कहता है सुनो सीधे जाओ और बाएं मुड़ना और वहाँ पे कौन सा निशान होगा, तीर का निशान। वो अनपढ़ गवार बाएं दाएं उसको तीर का निशान और 48 नंबर कमरे में जाना। अब उसको 48 नंबर कमरा तो समझ में नहीं आ रहा, तो वो पूरे चारों तरफ दौड़ रही, इधर जा रही उधर जा रही है, तो फिर कुछ जो समझ में नहीं आया इधर उधर घूम कर एक कमरे के पास गई, वहाँ एक आदमी ने चीट ले लिया। कुछ देर बाद पापती को नाम पढ़कर बोला इसे यहाँ क्यों लाई हो। बहुत देर बाद जब वो 48 नंबर कमरा मिला भी और चीट जब दी तो वो डॉक्टर का वो आदमी कहता है स्टाफ कि इसको यहाँ क्यों लेके आई है, आज जो है वो जगह खाली नहीं है, बेड नहीं है, कल 7:30 बजे आना। साढ़े सात बजे आना। बली अम्माल चक्कर काट कर सीढ़ियों के पास पहुंची तो दरवाजा बंद था। उसके बाद जब वो क्या करती है कि 7:30 बजे आना तो बोले अब क्या करेंगे, वो क्या करती है कि हॉस्पिटल के तरफ दौड़ती है और वो बाहर निकलने का उसको रास्ता ही नहीं मिलता है। जहाँ जाती है देखती है उसी के तरह गेट है, जहाँ जाती है उसी तरह वो चारों तरफ वो अकबका जाती है कि हम कहाँ के फंस गए। किसी तरह बहुत देर बाद उसको बाहर कुछ लोग बाहर जा रहे थे बाहर का रास्ता नजर आया, वो सीधे बाहर निकल गई। और जब बाहर निकली तो फिर देखी कि मैं जो है थोड़ी दूर पर एक और गेट है, उस गेट पर जाती है दौड़ करके तो देखती है कि गेट बंद है और मेरी बेटी अंदर स्ट्रेचर पर पड़ी हुई है। तो उसके बाद बली अम्माल बोलती है कि भैया मेरी बेटी जो है वो अंदर फंसी हुई है, बेटी स्ट्रेचर पर है, उसको हमको दे दो। बोलते नहीं 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 खुलेगा, दरवाज़ा बंद है, 3 बजे आना क्योंकि 3 बजे ये दरवाज़ा खुलेगा। उसके बाद वो क्या करती है कि कोई आदमी आता है और जब पैसे देता है उस स्टाफ को तो वो क्या करता है दरवाज़ा जैसे ही उधर दूसरा आदमी खुलवाया वो दौड़ के घुस जाती है और अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है और कहती है बाहर निकल जाती है लेकर के। और उसको बैठ के पहले बहुत रोती है, खूब रो लेती है, उसके बाद कहती है कि पता नहीं 7:30 बजे तक मैं यहाँ क्या करूँगी, उससे अच्छा है कि मैं अपने गाँव चली जाती हूँ, अरे थोड़ा सा झाड़ फूँक करवा लूँगी और मिट्टी का लेप लगा दूंगी और जब ठीक हो जाएगी तब बद्रीनाथ का दर्शन कर लूंगी और प्रसाद चढ़ा दूंगी। इधर जब डॉक्टर आते हैं जो जो डॉक्टर उनको चेक किया था, जब वो डॉक्टर आता है तो बोलता है कि सो कल आज मैंने एक 12 साल की लड़की को एडमिट करने बोला था, वो कहाँ है। तो डॉक्टर वो लोग बोलते कि नहीं वो तो उसको तो हम भेज दिए 7:30 बजे कल बुलाएं। बोले तुम लोग पागल हो गया है, वो लड़की कल सुबह तक मर जाएगी। तो डॉक्टर जब गुस्सा करते हैं और बहुत डांटते हैं तो वो स्टाफ क्या बोलता है कि डॉक्टर साहब तो एडमिट लिख देते हैं, एडमिट नहीं लिखना चाहिए उनका। जब डॉक्टर साहब का कोई माने पर्सनल आदमी था, उनका अपना आदमी था तो उनको लिखना चाहिए था, एक ही बेड खाली था लेकिन उस वो बेड भी रिजर्व किया हुआ है किसी अपने के लिए, तो मैं उसको कैसे दे देता। और इस तरह से वो बली अम्माल अपनी बेटी को लेकर के कहाँ चल देती है, बस स्टैंड अपने गांव की ओर चल जाती है, लेकिन उस बच्ची का इलाज नहीं होता है।
नगर शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार कीजिए। नगर शीर्षक कविता प्रतीक रूप में है। बल्ली अमाल अपनी पुत्री को लेकर बड़े शहर मदुरई जाती है तो मरना सन है। नगर के लोग रूखे व्यवहार के हैं, उसे एक स्थान पर खड़ा होकर रोने भी नहीं देते। गांव में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, अतः व्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर शीर्षक सार्थक करता है कि उससे अच्छा तो मेरा गांव है कि अगर कुछ हो जाता है तो पूरा गांव क्या करता है, दौड़ जाता है। यानी सुख दुख में गाँव वाला हमारा साथ देते हैं। बड़े डॉक्टर ने अस्पताल के बाबू को क्यों डांटा? जब बड़े डॉक्टर को कहा गया कि उसे कल 7:30 बजे बुलाया गया है तो वह क्रोधित हो उठा, क्योंकि वह पापति को परीक्षण करके पता कर लिए थे कि इसको बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि जिंदा नहीं रहेगी और वो मर जाएगी। पांचवा कहानी जो कि आखिरी कहानी है, क्या है? धरती कब तक घूमेगी। ये जो है कहानी एक बूढ़ी औरत की है, और ये जो बूढ़ी औरत है जिसको बोलते हैं माँ, एक माँ जो है ना 10 बेटों को पाल लेती है, लेकिन एक माँ को पालने वाला 10 बेटा नहीं होता है। उसी की ये कहानी है जिसका, देखो ये है माँ जो बूढ़ी, 3 बेटा है, उसको पाल पोस करके बड़ा करके सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक माँ को रोटी खिलाने के लिए इन लोग के पास पैसे नहीं है। उसी की कहानी है ये। सावर दैया इस कहानी के लेखक हैं, राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी, और ये जो है खुद ये जो है हिंदी अनुवाद ये खुद किए हैं। विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल जून इनका जो उस समय लिखा, यहाँ से सवार संकलित इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है। इसके कौन से सावर दैया, इस कहानी में कहानी अपने बच्चों पर बोझ बनी एक माँ की है जिसका नाम क्या है, सीता। यह कहानी राजस्थानी कहानीकार सावर दैया जी ने राजस्थानी जनजीवन की चर्चा की है। सीता नाम की एक बूढ़ी औरत का एक भरा पूरा खुशहाल परिवार है, इसके 3 बेटे हैं। ये जो है देख लो, बड़ा बेटा कैलाश कुमार, दूसरा बेटा नारायण और तीसरा बेटा बिरजू। 3 बहुएं हैं, पोता है, पोती है, देख लो कितना घर परिवार पूरा। जब ये शादी करके अपने बच्चे को लाई होगी, पढ़ाई लिखा करके पोते पोती को देखती होगी तो कितना खुश होती होगी कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, 3 बेटे। लेखक का नाम प्लस इनके बेटे जो थे उनका क्या नाम था, ये सब भी याद रखना। उसके बाद लेकिन माँ की देख रेख करने वाला कोई नहीं है। सीता के 3 बेटे में बनती नहीं थी, 3 अलग अलग रहते हैं। सीता को किसी तरह रोटी मिल जाती है, लेकिन रोटी ही तो सब कुछ नहीं होती। जब तक सीता का पति जिंदा थे सब ठीक ठाक था। जब एक माँ को सिर्फ रोटी चाहिए, नहीं, रोटी के साथ जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ अपनी हर चीज़ को शेयर करते हैं, माँ भी चाहती है। जब वो 3 बेटे को पाली थी उस समय वो भी चाहती थी कि हमारा जो बेटा है इतने लाड़ प्यार से पाला है, हमने शादी किया है तो हम भी इसके साथ खेले, ये भी मेरे पास आकर के बैठे और पूछे माँ तू कैसी है, खाना खाई या नहीं खाई, क्या कर रही हो माँ, आज कहीं चलते हैं। दो क्षण पोते पोती को, बेटे को, बहू को बैठने का फुर्सत नहीं है। पोते तो फिर भी खेल लेते थे, लेकिन माँ बेटे बहू को फुर्सत नहीं था कि अपने बच्चों के पास वो बैठे। ये गांव है कि बच्चे से पूरा घर जो भरा पूरा था वो किलकारी से भरा रहता था, खूब खेल कूद करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसका बुढ़ापा आया वैसे वैसे वो उसके वो परिवार का सदस्य के रूप में नहीं जाने जाने लगी। सीता अपने बारे में सोचती है, कहने का तो हम इनकी माँ हैं, लेकिन कोई घड़ी भर भी आकर नहीं पूछता कि माँ आप कैसी हो। अचानक बड़ा भाई कैलाश आकर सभी भाइयों को कहता है, मैं अकेले माँ का ठेका नहीं ले रखा हूँ। 3 भाई क्या करते हैं, एक दिन क्या करते हैं, बड़ा भाई जो है, बड़ा भाई के पास माँ रहती थी, एक दिन आकर के कहता है कैलाश तुम दोनों जो है माँ को मेरे पास छोड़ दिया है, और जो तुम लोग अकेले रहता है तो मैं माँ का ठेका नहीं लेके रखा हूँ कि मैं माँ को पूरा हमेशा जब तक जिंदा उसको खिलाऊँ, इसलिए हम लोग एक काम करते हैं। देखो सीता अपने बारे में नहीं नहीं नीचे नीचे वो अपने सीता अपने बारे में सोचती है कि कहने का तो हम इनकी माँ है, लेकिन कोई घड़ी भर भी भाइयों को कहता है माँ अकेले माँ का ठेका लेके नहीं रखा। तय हुआ कि माँ बारी बारी से
एक महीना रोटी, एक एक महीना रोटी रहेगी तभी भाइयों के पास रहेगी। बेटे और बेटी में रोटी महत्वपूर्ण हो गया। वो कहती है माँ से कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम कहाँ रहना चाहती हो, तुम क्या करना चाहती हो। वो खुद फैसला ले लेते हैं कि माँ मैं ठेका नहीं लेके रखा हूँ, मैं बारी बारी से एक एक महीना क्या करूँगी, क्या करेंगे हम लोग, तुम माँ को रखो इस महीना, अगले महीना हम रखेंगे और तीसरा महीना छोटा रखेगा। इस तरह से अम्मा चुपचाप सुनते रहती है और सोचती है कि क्या है, कभी एक बार इसने मुझसे नहीं पूछा। जब ये छोटे थे तब हम खाते भी थे तो पूछते थे कि तुम भी खाओगे, तुम्हें बुखार तो नहीं लगा, तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा, तुम्हें कौन से कपड़े चाहिए, ये सारे पूछ रहे थे। आज दो रोटी खिलाने के लिए एक बार भी नहीं पूछ रहा है और हमारा बंटवारा कर रहा है। एक महीना तुम रखना, कभी मैंने नहीं सोचा था कि एक महीना उस बेटे को अच्छे से पालूंगी, दूसरे महीना दूसरे बेटे को अच्छे से पालूंगी और तीसरे महीना तीसरे बेटे को पालूंगी, ऐसा तो मैं नहीं की थी। लेकिन ये जब हैं अपने बेटे को क्या करते हैं कि वो पूछ कहता है कि बार, और वो सोचते रहती है कि एक बार इसने पूछा नहीं कि आखिर मैं क्या चाहती हूँ। और माँ और रोटी में कौन, बेटे में कौन महत्वपूर्ण हो गया, रोटी। एक जगह दूसरी जगह भटकना उसका हाल एक भिखारी जैसी हो गई। महीना खत्म हो जाते ही बेटा कहता माँ आपको अब दूसरे बेटे के पास जाना है। इसी तरह 5 साल बीत जाते हैं। जैसे एक महीना खत्म होता है तो जैसे लगता है ना कि कर्ज लेने वाला है, देखते हैं ना कि सूद लेने आ जाता है तो बोलता है एक महीना हो गया सूद दे दो। तो उस तरह से इनके साथ भी होता है, बोलते हैं उससे अच्छा तो भिखारी नहीं, बोलता है कि कोई भिखारी भीख मांगने जाता है तो अगर तुमको देने का मन होता है तो कहते हो कि हाँ लीजिए, और नहीं तो कहता है कि दूसरे घर जाओ। तो ये हाल इन लोगों ने अपनी माँ को किया था। महीना खत्म हो जाते हैं बेटा कहता माँ आपको सब दूसरे बेटे के पास जाना है। इस तरह एक बेटे से दूसरे बेटे तक जाने का सिलसिला जारी रहा। एक बार जब मैं बिरजू के यहाँ भी तब नारायण की पत्नी ने बेटे के जन्मदिन पर सीता के लिए रसमलाई भेजी। बिरजू की पत्नी बहुत गुस्सा होने लगी और झगड़ा करने लगी, कहने लगी अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। वो कहती है कि वाह, मैंने रसमलाई अगर दूसरा बहू दे दिया तो कहता है किसे रसमलाई भेज दी, इसका मतलब दिखाना चाह रही कि हम उसको सूखी रोटी खिलाते हैं और तुम रसमलाई भेजते हो। इसलिए रसमलाई माँ के लिए भी एक जहर के समान हो जाता है। भेजी कहने लगी अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई में कांटों में घसीटती बेचारी सीता, एक पेट के लिए इतनी झंझट, एक दिन तो हद हो गई। कैलाश ने दोनों भाइयों को बुलाकर बोलता अच्छा नहीं लगता माँ माँ। वो एक दिन फिर क्या करता है, एक तो महीना महीना बांध दिया, अब फिर एक बार कहता है कि से ऐसा करो तीनों भाई आओ और हम जो माँ को डेली डेली जो है महीना महीना जो इधर उधर घुमाते हैं उससे अच्छा है कि हम क्यों इस तरह करते हैं, ऐसा करें ना कि माँ खुद अपना खाना बना ले। और उस खाना बनाने के लिए हम लोग क्या करें कि 50-50 रुपया जो है वो हम बेटे दे दें और वो अपना खाना खुद बना, उस दिन उसको देखो अपना रोटी खुद बनाकर खा लिया करे। सीता फिर कुछ न बोली, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बहुत रोने लगी मगर आवाज़ नहीं निकली। सोचने लगी कौन सा मुफ्त का खाती हूँ, उसके घर का काम का जिसके यहाँ रहती थी घर का काम कर देती थी, पोते पोते को खिला देती थी, सब कुछ कर देती थी, बच्चों को खिला देती, मजदूरी दे रहा है क्या, मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी, नहीं होगा तो बर्तन ही मांज लूँगी। वो क्या कहता है इससे अच्छा तो है कि हम जो हैं इसके पास नहीं रहें। वो रात में क्या करती है, अंधेरे में उठती है अपना थोड़े कपड़े और थोड़े से बर्तन ले करके और क्या करती है घर से निकल जाती है कि ना हम रहेंगे और ना हम दुख भोगेंगे, उससे अच्छा है कहीं भी हम मर जाएंगे। इस तरह से उन्होंने माँ को रोड पर ला करके खड़ा कर दिया। इस तरह से हमारा ये वर्णिका का पाँचों कहानी जो है ख़त्म हो गया। अब इसको हम पीडीएफ रूप में, वो क्वेश्चन है सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है, बच्चों को खेल खेल माई रोटी दे भिखारी नाती और कहती है माई माई रोटी दे, अंदर से उत्तर मिलता है ये घर छोड़कर दूसरे घर पर जा। सीता भी अपने को भिखारन जैसा समझती है, उसके बेटे भी महीना खत्म होते दूसरे बेटे के पास जाने बोलती है, इसलिए सीता अपने को भिखारन किससे अपने आप को तुलना करती है। पाली बदलने पर बच्चों की खुशी माता पिता की नाखुशी का कारण क्या था, बच्चों जब पाली बदलता था तो बहू खुश हो जाती थी बेटा, लेकिन जो बच्चा पोता पोती होते थे वो बहुत खुश होते थे। इस तरह से कहानी ख़त्म हुई। और आप जो हम आपको पीडीएफ के रूप में देंगे, आप जो आप कंटेंट दीजिएगा उसको हम मैं एक बार दिखा देती हूँ। ये गृह कार्य है, ये देख लो, ये गृह कार्य है। कथावाचक ने सास
सासू के ऊपर, सास बहू के ऊपर कैसे दी, लक्ष्मी क्यों पिछड़ गई, ये सारा कहानी में है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि उसके बाद जो पीडीएफ के रूप में हम आपको देंगे, ये सारा क्वेश्चन आंसर है वो आपको दिया हो, जैसे हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ये देख रही हैं, ये आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा, उसके बाद है ये सारा मिल जाएगा आप जहाँ भी ढूंढेंगे, ठीक है। थैंक यू, और आप इसको ज़रूर देखें लाइव फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो ये प्रोग्राम है वो आगे बढ़े और हम आपके लिए इससे भी अच्छे प्रोग्राम आगे आने वाले दिनों में लेके आएँ। धन्यवाद।